अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं शुरुआत करेंगे यहाँ पे कम्युनिटी बाजार से। लेकिन कम्युनिटी बाजार का अपडेट शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में दस्तक दे चुका है, केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि अभी इसकी ये पुष्टि होनी बाकी है कि ये जो नया वेरिएंट है कोरोना का, ये कितना खतरनाक है, क्या इस ये डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि WHO ने हाल ही में कहा था कि जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का ओमिक्रॉन, जिसका नाम ओमिक्रॉन दिया गया है, ये डेल्टा वेरिएंट से लगभग 5 गुना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसको देख कर भी भारत और जो विदेश हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। अगर लॉकडाउन की परिस्थितियाँ लगती हैं तो हम लॉकडाउन में देखते हैं कि व्यापार कारोबार सब कुछ ठप हो जाता है, आवाजाही रुक जाती है, स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को पैसों की चिंता काफ़ी सताती है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था होती है लोग देश की और उसके साथ साथ लोगों के जो बजट होता है वो गड़बड़ा जाता है, थोड़ा बहुत नहीं पूरी तरह से। तो ऐसे में अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आ गई है ई कॉमर्स ऐप माई बिग ब्लिस। माई बिग ब्लिस वो ई कॉमर्स ऐप है जिससे आप घर बैठे बैठे भी लॉकडाउन के दौरान भी अपना कारोबार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपकी पहले से कोई दुकान हो या आपको कोई कंपनी रजिस्टर करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप ठेला भी लगाते हैं, फल सब्जी भी बेचते हैं ठेले पे, तब भी आप इस ऐप के ज़रिए घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं। बस करना इतना सा काम होगा, प्ले स्टोर पर जाना है, माई बिग ब्लिस MYBIGBLISS माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड कर लेना है फ़ोन में और इस पर रजिस्टर करके अपना स्टोर बना लेना है। स्टोर में आपको स्टोर का नाम, स्टोर का फ़ोटो अगर आप रखना चाह रहे हैं, और बाकी इन जानकारी देनी है जो आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं और उसके कीमतें तय करनी है आपको। उसके बाद जो बिग ब्लिस है वो आपके स्टोर का प्रमोशन करेगा, आपको ग्राहक ला के देगा, आपकी सेल भी बढ़ाएगा। अगर आप पहले से ही किसी चीज़ के कारोबारी हैं तो आप अपनी सेल भी बढ़ा सकते हैं माई बिग ब्लिस ऐप के ज़रिए। तो दो ऐप हैं, माई बिग ब्लिस कारोबारियों के लिए है और ग्राहक अगर आपको कुछ खरीदना है उसके लिए बिग ब्लिस है। तो दो ऐप है, ध्यान रखिएगा, कारोबारियों के लिए माई बिग ब्लिस और सामान खरीदने के लिए, सस्ता सामान और अच्छा सामान खरीदने के लिए बिग ब्लिस। डिस्काउंट ऑफर्स पे अभी अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से सामान अपने घर मंगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से आप कम्युनिटी बाजार अपडेट की। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो देख रहे हैं यहाँ पे गोल्ड $1778 पर ट्रेड कर रहा है और सिल्वर $22 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि सोना चांदी कल के मुकाबले आज वही लगभग सेम लेवल्स पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं रूपा जी, आई उनसे जान लेते हैं कि आज कम्युनिटी बाजार में कैसा रुझान देखने को मिल सकता है। रूपा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी रूपा जी, सबसे पहले गोल्ड सिल्वर के बारे में जानना चाहूंगा। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या गोल्ड में अभी रेंज बाउंड जारी रहेगी इंटरनेशनल मार्केट में? तो देखिए, बिल्कुल अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से मार्केट जो है काफी सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी देखिए 1780 के ऊपर ही, मतलब 1780 के आसपास ही कारोबार देखने को मिल रहा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा भी फिलहाल मूवमेंट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आज इंटरडे में भी थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है और नीचे में $1770 तक, $1770 से $1760 तक लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं लॉन्ग टर्म अभी भी आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन इंट्राडे में शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट बढ़ सकती है, जिसके चलते सोना नीचे में 47,600 तक एक बार नीचे डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में आज कच्चा तेल अब धीरे धीरे उठता नजर आ रहा है, WTI $70 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $73 पर। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई महामारी की खबरें आती हैं या फिर केसेस बढ़ते हैं तो कच्चे तेल की जो डिमांड है वो कम हो जाती है और कीमतें घटने लगती हैं, लेकिन इस बार देख रहे हैं उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या कच्चे तेल में ये बढ़त जारी रहेगी या फिर यहाँ से मुनाफा वसूली बनेगी?
देखिए कच्चे तेल में अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि $70 तक ऊपर जा सकता है और $70 के ऊपर अभी सस्टेन है मार्केट, आज थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ से करेक्शन का भी एक रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा करेक्ट भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए कच्चा तेल इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो 5340 तक आज इंट्राडे में जा सकता है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, और वहीं इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी $71 तक मैक्सिमम एक अपसाइड बनती हुई कच्चे तेल के अंदर दिखाई दे सकती है। जी जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की तो कॉपर में देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में हल्की सी करेक्शन है, लेकिन लेवल्स ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, और डोमेस्टिक मार्केट में भी जो लेवल्स हैं वो भी ठीक ठाक हैं, कल वाले लेवल्स आज भी बनते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है बेस मेटल्स में अभी कैसा रुझान देखने को मिल पाएगा? देखिए अभी बेस मेटल में अच्छा पॉजिटिव रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी फिलहाल कोई बहुत ज्यादा डाउनसाइड का एक्सपेक्टेशन नहीं है, चाइना का डाटा भी अच्छा खासा निकलता हुआ दिखाई दिया है। अभी कॉपर देखिए कल के मुकाबले थोड़ा सा पॉजिटिव है, कल जो हम 727 के आसपास देख रहे थे आज 734 तक, कल भी हमने इसको 734 रुपए तक ऊपर क्लोजिंग देते हुए देखा और आज भी 730 पर है, तो जब तक 700 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ये 700 इसी रेंज में 720 से 740 के बीच में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। वही निकल भी 1520 के ऊपर है तो मुझे लगता है निकल में भी तेजी ही है जी, 1560 तक इसकी रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल देखा जाए तो सभी बेस मेटल एक रेंज में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट आ नहीं रही है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। आज इंट्राडे में भी मुझे लगता है कि निकल 1560 तक ऊपर जा सकता है जी। आपके अकॉर्डिंग टॉपिक्स क्या रहेंगे आज नॉन एग्री कम्युनिटीज के? देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज में आज इंट्राडे में मुझे लगता है कि सोना चांदी लुढ़क सकते हैं, वहीं आज क्रूड पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आज इंट्राडे में क्रूड के अंदर यहां से 40 से 50 रुपए का अपसाइड मोमेंटम करंट लेवल से भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है जी। जैसे कि रूपा जी ने बताया कि करंट लेवल से सोना चांदी आज लुढ़कते हुए नजर आ सकते हैं, वहीं क्रूड में यहां से 40 से 50 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की।